हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रेम बोलोल मैथ के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, जो से कि आप पीछे देख रहे हैं, टाइम एंड वर्क। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी, जिससे हम क्लास को स्टार्ट करते। दोस्तों ये क्लास आज की जबरदस्त क्लास होगी, ऐसी क्लास जो आपको क्वेश्चन बताएंगे आप आपके कभी नहीं भूल पाएंगे, आपकी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। सबसे शुरुआत पहले हम बेसिक क्वेश्चनों से करेंगे। जब हम कोई काम करते हैं, जैसे कि कोई नीव मकान बनाता है, तो उसकी पहले फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। जब फाउंडेशन मजबूत होती है तो सुतई ऊपर बहुत मजबूती हो जाती है। इसी प्रकार से हम जो टाइम एंड वर्क बताएंगे, तो हम छोटे छोटे क्वेश्चनों पर पहले काम करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े क्वेश्चन के लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी के ये बात समझ में आई होगी जो मैंने बताई थी। तो इसी को सुनते हुए एक बार भाई सभी दोस्त वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर, सभी पर जितने भी दोस्त हैं अपने, उन पर एक बार शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप पुराने वाले वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क का हम पहला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे कि अपन बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, पहला आ गया भाई कि एक किसी काम को, क्या एक किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और बी उसी काम को 40 दिन में करता है। तो अपन से क्या पूछे भाई, ए और बी टोटल कितना काम करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलके वो कितना काम करेंगे, ये बात अपन को पूछेगा कि ए इतने दिन काम करता है और बी इतने दिन काम करता है, दोनों मिलके एक साथ कितना काम करेंगे। तो इसका बेसिक तरीका ऐसा है कि हम दोनों का क्या लेते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम बोलते ऐसी संख्या जो 40 का और 20 का भाग चले जाए, तो वो कौन सी संख्या है भाई, तो ऐसी संख्या है 40, 20 में 40 का भाग देता, 20 का भाग 40 में दिए तो 2 बार गया और इसमें दिए तो 1 बार गया, टोटल हो गया भाई कितना बार, टोटल उसका कार्य हो गया 40 और ये कितने भाई 2 दिन ये कर रहा है, 1 दिन ये कर रहा है, 3 दिन भाई। तो टोटल दोनों मिलकर काम कितने दिन करेगा, 40/3 इसको हम कह सकते भाई 13/3 39, मतलब 13 दिन तो पूरे पूरे लेंगे और 1/3 ये भाई इसका है कि इतने दिन इसको कार्य करने में टाइम लग गया, 13 दिन तो पूरे लग जाएंगे और 1/3 इसका काम हो जाएगा। तो इतना टाइम लगेगा भाई दोनों काम करेंगे। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, अब ये संख्या इसकी जगह अलग भी संख्या आ सकते हैं, जैसे कि भाई कि एक किसी काम को करता है 15 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा भाई, बी उसी काम को 25 दिन में करता है, तो ए प्लस बी मिलकर दोनों काम कितने दिन में करेंगे भाई। तो अपन क्या है बेसिक तरीका इसी प्रकार से कर सकते, एलसीएम लेंगे सबसे पहले दिन का भाई, कितने दिन आएगा एलसीएम कि 15 का और 75 का दोनों को भाग चल जाए, उस चीज को अपन को बीच का एवरेज मानते हैं या एलसीएम मानते हैं। तो अपन ने माना कितना, 75 माना, तो 75 तो क्या भाई इसका टोटल वर्क हो गया, 75 क्या है टोटल वर्क हो गया। तो फिर क्या करेंगे, 15 गुणा का भाग इसमें अपन 75 देंगे, 15 × 5 = 75, ये 5 बार गया भाई, 25 का भाग दिया तो इसमें कितनी बार जाएगा, 25 × 75 तो 3 बार गया, तो टोटल वर्क तो भी कितना हो गया 75। 5 दिन ए ने काम किया है और 3 दिन बी ने काम किया, टोटल काम कितना भाई 8 काम हो गया, टोटल 8 काम हो गया। तो अब इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखो बच्चों 9 8 72 9 9 बार, तो पूरा पूरा 9 दिन तो पूरा पूरा काम करेंगे दोनों, फिर कितने भाई 3/8, इतने डेज लगेंगे भाई काम करने में, ये अपना भाई करेक्ट आंसर। इस प्रकार से अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन बेसिक तरीका से और एक इसी लेवल का क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं कि भाई ए एक काम कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है एक काम को, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, 40 दिन में कर रहा है, तो दोनों काम ए को हम क्या कहेंगे, 1/20 कह देंगे,
बी को हम कहेंगे भाई एक बटे चालीस प्लस एलसीएम लिया तो क्या आ गया भाई चालीस के एलसीएम आ गया। बीस का बार दिया दो बार गया और ये एक बार गया कितना आ गया भाई तीन बटे चालीस आ गया। अपन को निकालना काम तो क्या करेंगे भाई देखिए यहाँ पर उल्टा होगा तो अपन क्या निकालते हैं टोटल वर्क, टोटल वर्क बटे टोटल डेज मतलब क्यों टोटल वर्क हो गया चालीस बटे तीन दिया तो क्या है उनतालीस सही एक बटे थ्री डेज। इस प्रकार से मैं इसको भी निकाल सकते इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मैं इसको हल कर सकता हूँ। अब बात करते थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन अगली टाइप की टाइप के क्वेश्चन आ सकता है कि ए और बी किसी काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करे भाई दस दिन में करते ए बी मिलकर दस दिन में करता है तो बी अकेला काम उसी काम को कितने दिन में कर रहा भाई बीस दिन में कर रहा है तो क्वेश्चन क्या पूछ लो ए अकेला कितने दिन में करेगा ए बी मिलकर के भाई दस दिन में काम कर रहे और बी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो मैंने क्या बोला भाई सबसे पहले इनका एलसीएम लेना अपन को एलसीएम आगे निकलता है 20 आ गया 10 का भाग दिया तो भाई कितने आ गए दो बार और ये तीन बार तो क्या करेंगे ए बी मतलब टोटल तो कितना काम हो रहा दो और बी अकेला कितना कर रहा एक तो भाई क्या करेंगे अपन ए प्लस बी में से अपन बी को घटा देंगे तो क्या बचेगा भाई ए बचेगा तो देखो भाई ए का काम ए बराबर टोटल काम कितना भाई 20 और बटे एक एक का भाग दिया कितना आ गया भाई 20 दिन तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 20 दिन में सो अकेला ए अकेला उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देगा ए अकेला उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देगा इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता कि ए और प्लस बी किसी काम को करते भाई कितने दिन में 40 दिन में ए अकेला उसी काम को करता भाई कितने दिन में 80 दिन में कितने दिन करता 5 दिन में करता सॉरी 120 दिन में ए बी दोनों मिलकर 40 दिन में करता है ए अकेला उसी काम को 120 दिन में करता है तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। ए बी दोनों मिलकर 40 दिन में करता है बी ए इसी काम को 120 दिन में करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना 120 40 का भाग दिया तीन बार और ये भाग दिया एक बार टोटल काम अपने पास में 120 है बटे तीन में से एक गया तो क्या बचा भाई बी बचा और बी कितना भाई दो में से तीन में से एक गया तो दो बचा और ये काटो तो कितना आ गया भाई 60 दिन तो 60 दिन बी अकेला उस काम को कर देगा बी अकेला 60 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा दोस्तों। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो ये दोनों टाइम में अपन को क्वेश्चन पूछ लेगा ए कितने दिन में काम कर रहा है तो बी कितने दिन में करेगा ए बी दोनों मिलकर भाई के 10 दिन में करते हैं तो बी अकेला कितने दिन में करेगा ए बी 20 दिन में काम कर रहा है तो भाई सी कितने दिन में काम करेगा ऐसा भी कुछ नाम को बताने वाले तो देखो दोस्तों कि अपन को बोला भाई ए किसी काम को करता है 10 दिन में बी उसी काम को करता भाई कितने दिन में 12 दिन में डेज और सी उसी काम को करता है 15 दिन में तो पूछे भाई ए बी और सी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे
ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करने वाले। सभी दोस्त इसका एक बार आंसर बताइए भाई, जल्दी से जल्दी करिए। सभी बच्चे इसको क्वेश्चन को करिए भाई। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सॉरी बी 12 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है, तो इस कार्य को कितने दिन में करें। जल्दी बताइए सभी विद्यार्थी, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए भाई, जल्दी बताइए इसका आंसर। देखो बच्चों कि अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, एलसीएम मानेंगे भाई, क्या करेंगे एलसीएम मानते भाई तीनों का, तीनों को एलसीएम क्या मानेंगे, तीनों संख्या को भाग पूरा पूरा चले जाए, ऐसी संख्या मानते हैं। तो वो संख्या क्या भाई, 60। 60 एक ऐसी संख्या है इसमें 15 का, 12 का और 10 का भाग टोटल चला जाएगा। तो 10 का भाग दिया तो कितनी बार गया 60 में भाई, 6 बार गया, तो यहां 6 बार आ गया। 12 का दिया 5 × 60, 15 का दिया तो क्या हो गया 15 × 60, ये टोटल। तो टोटल का वर्क कितना हो गया बिल्कुल भाई, टोटल जो वर्क हो गया वो कितना हो गया 60 हो गया, टोटल 60 बार। अब ये कितने हो गए, 4 और 5 कितने हो गए, 11 और 4 14 तो टोटल हो गया 15, और 15 का भाग दिया तो भाई कितना हो गया 4 बार। तो तीनों इस काम को मिलके करेंगे तो भाई वो कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे। कितने दिन है भाई, 4 दिन में काम को उसको कंप्लीट कर देंगे। जब ए 10 दिन कर रहा है, बी 12 दिन कर रहा है, सी 15 दिन काम करता है, तो ये 4 दिन में उस काम को टोटल काम कर देंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते, बहुत बेसिकली क्वेश्चन है। अभी इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो स्वयं को कमेंट में करके बताना है। सभी बच्चों को कमेंट में बताना कि ये करता है 20 दिन एक काम को, सी करता है 40 दिन काम को, और सॉरी बी करता है 40 दिन और सी करता है 60 दिन काम को। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करने वाले। क्या भाई, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 40 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में, तो बताइए टोटल मिलके ये इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। आप सभी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अगला क्वेश्चन आप को बताने वाले, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन ही अपने को पहाड़ जैसे लगने लगते हैं, उसी के लिए हमने ये बेसिक चीजों के ऊपर क्वेश्चन को क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको सभी विद्यार्थियों को ही करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो ये कि एक किसी कार्य का भाई कितना कि 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिन कर रहा है भाई, वो 2/5 भाग वो कर रहा है 12 दिन में। और बी उसी कार्य का, बी उसी कार्य का 3/4 भाग, 3/4 भाग कितने दिन में करता भाई, 15 दिन में करता है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर वो कितने दिन में करने वाले भाई। एक किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करने वाले। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों हल करना है, और देखिए एक सभी बच्चे आसान तरीका से क्वेश्चन को हल करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं बता भी चुका हूं और मैं इसको एक बार करवा देता हूं। देखिए भाई कि ए बराबर अपन निकाल, 2/5 बराबर अपन दे रखा 12, तो अपन क्या इससे इसको काटेंगे 6 बार, तो कितना आ जाएगा ए बराबर 6×5=30 डी आ गया भाई। इसी प्रकार बी को करेंगे अपन, 3/3 भाग अपन कितना दे रखा है
15 दिन में काम कंप्लीट करना, 3 से इसको काटो तो 5 बार, ये कितना आ गया 5 × 20 कितना आ गया 20 दिन आ गया भाई। इस प्रकार से अब यहाँ पे क्या है कंप्लीट आ गया भाई, एक इसी काम को कितने दिन में कर रहा 30 दिन में और भी उसी काम को कर रहा 20 दिन में, तो टोटल भाई कितना हो गया भाई, ये एलसीएम मानते थे इनका भाई, एलसीएम लेते अपन 20 का और 30 का एलसीएम कितना आएगा 60 आ गया भाई। एक इसी काम को 30 दिन में कर रहा तो 60 काम कितने दिन करेगा भाई 2 दिन में, और ये काम करोगे 3 दिन में, टोटल काम कितना हो गया 60 काम हो गया, टोटल 60 काम हो गया और कितने दिन, एक दिन कर रहा भाई 2 दिन भी कर रहा 3 दिन, तो टोटल हो गए 5, इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया 12 × 60 तो 12 डे में, तो ए बी दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे भाई कंप्लीट को 12 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को मैंने किया भाई 12 दिन में इसको प्रकार के इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते भाई। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कि ए और बी किसी काम को मिलकर करते हुए कितने दिन में 10 दिन में, बी और सी मिलकर किसी काम को करते 12 दिन में, सी और ए मिलकर किसी काम को करते हुए कितने दिन 15 दिन में, तो यहां पे पूछ रहा है ए बी और सी कितने दिन में करने वाले भाई, ए बी दोनों मिलकर भाई किसी काम को 10 दिन में करते, बी सी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते और ए सी मिलकर उस काम को 15 दिन में करते, तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करने वाले। अब आपके दिमाग में आ सर ये क्वेश्चन तो आपको पहले करवा दे, लेकिन पहले क्या था भाई ए बी सी तीनों इतने दिन में काम करता और तीनों मिलकर कितने दिन में काम करने वाले, वो वाला क्वेश्चन था ये। तो देखो भाई इसमें ए दो बार आ रहा, बी दो बार आ रहा, सी दो बार आ रहा, तीनों चीज दो दो बार आ रही, तो अपन इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे ए और बी लेंगे, बी और सी लेंगे, सी और ए लेंगे भाई, तो दो क्या लिया भाई कॉमन अपन ने, दो क्या दो इधर भी है एक इधर है, एक इधर इधर इधर, तो ए प्लस बी प्लस सी ले लेंगे भाई। तो यहां से क्या कहेंगे अपन एलसीएम लेते भाई, एलसीएम आया अपने पास में 60, 60 अपने पास में एलसीएम आ चुका है, तो ये कितनी बार गया 6 बार भाई, और ये 12 × 60 और ये 4 बार, तो इसका टोटल जो कार्य हो वो कितना हो गया भाई, ये हो गया कितना 6 × 5 = 11, 11 × 4 = 15, तो ये हो गया 15 काम। अभी 15 में भाई दो दो बार है तो टोटल करेंगे भाई 15 हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 15 में 2 का भाग दिया तो कितना होगा भाई ये काम 7.5 डे। अब तीनों का आ गया भाई, अभी तीनों का काम आ गया भाई, ये आ गया, तो इसको किस प्रकार से करने वाला है, अब तीनों ये काम करता है तो अपन को यहां पे ए का काम निकाली भाई, तो ए भी कितने दिन में कर रहा भाई 6 दिन में, तो सी अकेला किस काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेला भाई 6 गया तो कितना 1.5 में, अब यहां पे बी सी गया, बी सी 5 है तो ए अकेला कितने दिन हुई इसमें से 5 गया तो 2.5, तो ए अकेला उसको 2.5 में काम करेगा। अब यहां पे अपन 4 हटा देंगे 3.5, ये हो गया, ये काम करते हुए सभी, या फिर अपन ऐसे कह सकते टोटल काम तो अभी अपने पास 60 और 60 में अपन 15.7.5 का भाग देना, ऊपर 2 से गुणा करता, ऊपर 10 से गुणा करता और नीचे भाई किससे करता 10 से गुणा, क्या था 600/75। अब भाई इसमें अपन 75 का भाग 25 भाग दे 3 बार और 25 भाग दे तो क्या हो गया 2 बार
दस बच्चा और ही चौ, तो ये हो गया टोटल आठ। तो आठ दिन में वो तीनों काम मिलके करते हैं। तीनों कितने दिन में करते? आठ दिन में। तीनों उस काम को मिलके आठ दिन में काम उसको कंप्लीट करते। कितने दिन भाई? आठ दिन में तीनों व्यक्ति मिलके उस काम को कंप्लीट करते। पांच छह सात, ये साढ़े सात आया, तीनों मिलके यहाँ पे अलग अलग होता है। ए इतने दिन कर रहा, बी इतने दिन कर रहा, सी इतने दिन कर रहा, तो टोटल किया तो जाके सात पॉइंट पांच ही आएगा, क्योंकि यहाँ का वही वो अपने यहाँ का। उसके बाद अपन ने क्या किया, आठ दिन में ये तीनों मिलकर उस काम को, साठ काम को आठ दिन में मिलके कंप्लीट काम कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का बेसिक क्वेश्चन है, तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अपन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी विद्यार्थियों को करना है, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को करिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। करिए भाई, करिए सभी क्वेश्चन इसको, सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को करिए बार। कि एक ही चार, एक ही कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, एक ही कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर ले। ए और बी, एक ही क्षमता बी से दोगुनी है, तो भाई बी से दोगुनी है भाई, एक ही क्षमता बी से दोगुनी है, लेकिन क्या कह रहा है बी ए से, ए ने ए जो बी से 10 दिन कम है, बी से 10 दिन कम है, बी से कितने दिन कम है भाई 10, देखता हूँ आप कि बी से 10 दिन कम है, बी से क्या भाई 10 दिन कम है, तो बी से 10 दिन कम है और दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन है। तो ये तो आगे दिन की क्षमता, अपन निकालेंगे समय, तो एक रेशो दो हो जाएगा, एक रेशो दो हो जाएगा, तो कम भाई बी से कम है तो एक दिन हो जाएगा भाई टाइम में, दस कम है दस से इसको गुणा किया तो कितना हो गया भाई बीस, टोटल हो गया भाई बीस। और ये कह रहा है कि भाई कि दोनों मिलकर ए और बी कितने तीन, तो इसका दिया भाई तो छह तीन अट्ठारह, दो बटे तीन डेज, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा छह सही दो बटे तीन, इसका इतने दिन इसको काम करने में टोटल दिन लग जाएंगे। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन, एक ही कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, क्या भाई एक ही कार्य क्षमता एक ही कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो बी की दो है तो भाई एक ही कितनी हो जाएगी एक हो जाएगी, तो ये क्षमता आ गई, तो इसका टाइम निकालेंगे, तो टाइम क्या है एक रेशो दो हो जाएगा। फिर कह रहा है दोनों मिलके उस कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोनों मिलके ए और बी मिलके इस कार्य को कितने दिन में करे भाई 14 दिन में, तो पूछ रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करने वाला है। तो क्षमता में, तो देखो दोस्तों क्षमता पूछ रहा है वो, तो उसकी क्षमता क्या भाई कैपेसिटी, तीनों मिलके भाई कितना हो गया, तीनों काम कितना है दोनों काम कराइए और दो और एक तीन, तो ये क्या हो गया भाई तीन गुणा 14 करेंगे अपन बटे, एक का काम निकाल रहा भाई, एक कितना भाई दो टाइम,
क्षमता इसकी दो है, तो इसको दो से काटा इस सात बार गुणा सात गुणा तीन के तो 21 21 दिन में वो क्या आएगा भाई, काम टोटल निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम एक ही क्षमता निकाल सकते हैं। तो इस कार्य को कितने दिन कर रहा भाई, 21 दिन में इस कार्य को एक कर देगा। अभी इस प्रकार से अपन निकालते हैं बी कितने दिन में करेगा, तो देखो बी टोटल कार्य कितना भाई अपना 3 × 14 इंटू बी कितना भाई 1 14 दुना 28 और 14 थी 42 42 दिन में भाई बी काम कर देगा। तो इस प्रकार से अपन दोनों को निकाल सकते। अब पूछेगा भाई ए बी दोनों मिलकर 14 दिन आया, तो ए बी 14 दिन निकालते, देखो एक कितने दिन में कर रहा भाई किस काम को 21 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन कर रहा भाई 42 दिन में काम करता है। टोटल एलसीएम लिया था कितना आ गया 42 आ गया, 21 दुना 42 और ये भी आ गया कितना भाई एक बार, टोटल काम हो गया अपने पास में 42 दिन और दो और एक तीन, तीन का भाग दिया 14 × 42 मतलब कहने का अर्थ है कि अपन जो 14 दिन किया है अपन ने 21 दिन आया अपने पास जो क्या करेक्ट आंसर आया। दोनों प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने दोस्तों सिद्ध कर दिया कि अपन इस टाइप से निकाल दे भाई अपन को दे रखा था दोनों मिनट 14 दिन काम करता, तो यहाँ पे भी दोनों मिलकर क्या 14 दिन, एक अकेला 21 दिन कर रहा बी अकेला उसी काम को 42 दिन में कर रहा है, तो अपन टोटल निकाला 14 दिन दे रखा है अपन को, तो इसको अपन ने सिद्ध भी किया कि भाई दोनों काम करते हैं तो 14 दिन ही इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से ये उत्तर की जांच भी हो चुकी है। अब अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको सभी हल करिए एक बार, सभी विद्यार्थी एक बार इसको हल करने की कोशिश करिए। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, लेकिन अपन क्या किया भाई क्वेश्चन देख के लैंग्वेज को सोचते हैं यार इसकी लैंग्वेज इतनी बड़ी तो आंसर जाना कितना बड़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज बड़ी हो सकती है लेकिन आंसर उसका वही होगा छोटा सा। ठीक है भाई, देखिए भाई ए तथा बी किसी काम को क्रम से 7 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी, ए 7 दिन में और बी उसी काम को 8 दिन में। आठ दिन में करते हैं, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तो एक कार्य करना प्रारंभ करता तथा एक कार्य का प्रारंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है भाई कि ए और बी क्रम से 7-8 दिन में काम करते हैं, शुरुआत एक छोड़ के एक करता है और शुरुआत काम करता वो क्या करता भाई ए वाला काम करता, ए इसकी क्या भाई शुरुआत करता, एक काम की क्या करता है शुरुआत करता है, तो कह रहा है कि कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। देखो वैसे नॉर्मल अपन करते हुए तो 7, 8, 56 अपन ले लेंगे इसका लघुत्तम 56 है, 7 का भाग दे तो 8 बार गया और 8 का भाग दे तो 7 बार गया, टोटल काम कितना आ गया 56 8 और ये कितने हो गए 15। अब 15 का भाग इसमें देंगे तो भाई कितनी बार जाएगा 15 × 3 = 45 जो खाई दिया अपन को लिंक नहीं लग रहा भाई, यहाँ पे बस बनता ही नहीं है, तो यहाँ तो ये इम्पॉसिबल है भाई क्योंकि एक छोड़ के एक काम कर रहा है। देखो भाई पहले शुरुआत अपने ए ने करी, ए 8 दिन करेगा, फिर 7 दिन, फिर 8 दिन, 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 फिर 7 दिन, तो देखो भाई 15 और ये 15 × 15 = 30 × 35 = 45 तो ये तो ज्यादा ले लिया भाई अपन ने, 15 15 हो रहा है 15 × 29
15 45 15 60 ज्यादा ले भाई, तो ये लिया भाई 45 हो गया, 45 और ये कितने हो गए भाई 8, 45 और 8 53 हो गए भाई 53, और बचा कितना 3 काम भाई। और अब शुरुआत किसके साथ में की, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना आ गया टोटल काम आ गया 7 दिन तो पूरे पूरे लगेंगे, और 3/8 क्योंकि 7 तो काम कंप्लीट हो गया भाई, मतलब 53 तक काम हो गया, 3 बचा 7 और ये नंबर बी का आ गया, तो ये इतना दिन लगा भाई। ये बेसिक है, मतलब जो अपन नॉर्मल करते अपन कि भाई तो 8 दिन जाएगा, फिर वो चल जाएगा, फिर वो चल जाएगा, फिर वो आ जाएगा, इस टाइप से तो ये वाला आंसर आ जाएगा, इस टाइप से ये और ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो 15 45 क्या करेंगे भाई, 15 45 तो 3 बार तो पूरा पूरा चलेगा भाई, 3 बार तो पूरा पूरा चलेगा। अब फिर जो आगे कटेगा, तो इस प्रकार से अपन बेसिक लेके अपन हल कर सकते हो भाई। पहले शुरुआत ए ने करी, फिर बी आएगा, फिर दूसरे दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए क्या आ गया भाई, बी आ गया। अब बी के बाद में अपन ए को और जोड़ देते तो काम 7 दिन ज्यादा हो जाता है, तो 7 दिन तो अपन को करवाना नहीं है, क्योंकि अपन को तो भाई कम करवाना, 56 दिन ही काम करवाना है, और 56 दिन काम करवाएंगे तो ये इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। 7 सही 3/7 दिन में इस काम को दोस्तों ये कंप्लीट करेगा। और इसी प्रकार के प्रतिदिन हम बेसिक क्वेश्चन करवाएंगे, प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग टॉपिक का प्रतिदिन अलग अलग क्वेश्चन करवाने वाले हैं, अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक, अलग दिन अलग टॉपिक, ये क्वेश्चन आपको प्रतिदिन इसी प्रकार से हल करवाएंगे दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अब अलग दिन अलग टॉपिक आपकी को पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।